हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखर दुबे है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैंने साल 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं खाली बैठा हुआ था तो मुझे विनोद सर मिले। विनोद सर मेरे फादर के फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे जेट किंग के बारे में बताया क्योंकि वो वहाँ पे गाइडेंस रहते जेट किंग में। तो जेट किंग का अनुभव मेरे साथ ऐसा रहा कि जेट किंग ने एक तरीके से हर चीज़ मुझे प्रोवाइड की। हर चीज़ मीन्स कि क्या नाम है, कैसे आप अपने आप को स्टेबल करो, क्या वर्स के सिनेरियो आ सकते हैं आपके फ्यूचर में और क्या चल रहे हैं प्रेजेंट में, उन सबको कैसे आप कवर अप करो। तो मैंने स्टार्ट किया जेट किंग 2019 में जुलाई के टाइम पे। और जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे लगता था कि क्या नाम है, ये क्या चल रहा है, यानी ये सब चीज़ें यानी आगे कहीं जाके बेनिफिट देंगी कि नहीं देंगी। फिर मैंने तीन चार लोगों से मिला जो प्लेस्ड हुए थे, उनकी वो क्लासेस में आए, उन्होंने अपना अपना सब अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोग से। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जहाँ पे भी आया हूँ बहुत सही जगह आया हूँ कि यहाँ से मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। हम लोग के मॉक इंटरव्यूज़ होते थे। पहले मॉक इंटरव्यूज़ में अच्छा नहीं करता था, यानी एक तरीके से गुस्सा आता था मुझको। तो सबसे बढ़िया जेट किंग में प्लस पॉलिसी तो मुझे ये लगी है कि क्या नाम है, इन्होंने मेरा गुस्सा शांत करवाया कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, एंगर मैनेजमेंट पे इन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। विनोद सर ने अपने पास बिठा के मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ाई हैं पूरी, कैसे एंगर मैनेजमेंट करो अपना कंट्रोल, है ना, कहाँ एंगर दिखाना चाहिए कहाँ नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप कहीं एमएनसी में हो, आपको गुस्सा आ गया तो कैसे आप टैकल करोगे, वो वहाँ पे यानी उन्होंने मुझे कंट्रोल करना सिखाया हर चीज़। और विनोद सर का और मेरा एक बॉन्डिंग जो है वो अलग ही है, जैसे एक बेटा और पिताजी की होती है वैसी मेरी बॉन्डिंग है। इन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर चीज़ में। विद इन मेरा फादर जहाँ पे गुस्सा होते थे वहाँ पे इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि मैं कर सकता हूँ, आगे मैं और अच्छा करूँगा। तो ये तो विनोद सर का अनुभव था मेरे साथ। अब आते हैं हम लोग जेट किंग पे। जेट किंग का ही पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है इतना बढ़िया है कि क्या नाम है, आप अगर फर्स्ट डे से आप एंटर किए हो तो वो फर्स्ट डे से आप पे काम करने लगते हैं कि आप कैसे, बिल्कुल डायमंड को जैसे एक शेप दिया जाता है वैसे वो लोग, और उनके अंदर इतनी अच्छी ये चीज़ है कि क्या नाम है, वो आपकी वीकनेस को देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी वीकनेस है, और जहाँ पे हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हम लोग कहीं ज़्यादा ही, यानी हम लोग में घमंड आ गया किसी चीज़ का तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हम लोग कहीं अपना वीक पॉइंट ना बना लें, उस चीज़ पर भी वो लोग ध्यान देते हैं। तो मैंने रेगुलर क्लासेस की, मॉक इंटरव्यू भी अच्छे हुए मेरे, स्कोर भी अच्छा किया मैंने। फिर मेरा लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में हम लोग फंस गया कि क्या नाम है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा, कैसे होगा। वी आर थिंकिंग दैट कि हम लोग यानी अब यानी जो हम लोग ने पढ़ाई लिखाई की है वो सब बेकार, यानी अब एक तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उसी लॉकडाउन के बीच में तीन इंटरव्यू क्रैक किए फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें से एक मेरा CIPL था, एक TVS था और एक विप्रो का भी था। तो मैंने TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी चीज़ें, सब आदमी हिला हुआ था कि क्या नाम है, कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, सब मैनेज किया मैंने और विनोद सर ने भी सब करवाया हेल्प। तो मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया और इन्होंने मुझे पूरी गाइडेंस दी यहाँ तक मैं अगर यहाँ पे भी, अब यहाँ पे अच्छी जगह अगर इस्टेब्लिश हूँ तो मैं फादर और मदर का तो बोलूँगा ही, विनोद सर का भी पूरा हाथ बोलूँगा क्योंकि इन्होंने ही मुझ पे भरोसा किया कि क्या नाम है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो इन्होंने मुझे समझा कि मैं कर सकता हूँ तो मैंने अटेम्प्ट निकाल दिए। मैं थोड़ा मस्त मौला इंसान था मगर हाँ, मुझे इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं जितनी चीज़ें रीड करता हूँ वो मेरे माइंड में आ जाती हैं। फिर मैं लॉकडाउन में यहाँ पे आ गया, TVS में इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब करी और अब मैं रिसेंटली टेक महिंद्रा में प्लेस्ड हुआ हूँ।
वो भी आईटी डिपार्टमेंट में हूँ, सारा मैं देख रहा हूँ आईटी डिपार्टमेंट का। तो जेटकिंग जो है ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ अगर आपने कोई भी कोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, आपने आपने डॉक्टरी भी की हो, आपने बीए भी किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, दे डोंट केयर अबाउट इट। वो उनको बस ये है कि आपके अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कैसे मजबूत करें। और ऐसे जो सिनेरियो चल ही रहे हैं इस समय, कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन ऐसी चल रही है, जेटकिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि अगर आपको चाहिए आपका कि सिलेक्शन हो तो जेटकिंग आपको करवा के देगा। थैंक यू सो मच, यही मेरा अनुभव था जेटकिंग के साथ। अनुभव अच्छे अच्छे और भी हैं, बस थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर जो वीडियो देखे मेरा ये, तो मैं प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं जेटकिंग को देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये लोग यानी जो बोलते हैं वो करते हैं। थैंक यू।